नमस्कार, क्यू एन ए विद मुजफ्फर भाऊ। मेरे नौजवान साथियों के कई सवालात भी आए हैं, कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है कई कामों को। मैं शुरुआत करता हूं विशाल मौर्या जी के पहले सवाल से। उनको उन्होंने पूछा है कि एमएसएमई सेक्टर इन महाराष्ट्र की कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इससे कोई बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। तो अगर इसे रियल रूप से देखा जाए आप, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने जाहिर किया था, उससे एमएसएमई को महाराष्ट्र में या पूरे देश भर में कोई बेनिफिट मिला है। जहाँ तक कि नज़र आया है कि ज़्यादातर बड़ी कंपनीज के एनपीएस जो थे वो माफ़ कर दिए गए हैं, और उसको जो है इस एमएसएमई के अंदर बताया गया है कि ये काम हुआ है 20 लाख करोड़ के अंदर। स्मॉल इंडस्ट्रीज को कोई बेनिफिट मिला है ऐसा मुझे नज़र इसमें मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। और अगर 20 लाख करोड़ सरकार खर्च करती है, तो फिर सवाल ये भी उठता है कि सरकार की संपत्तियां क्यों बेचती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने एनपीएस को माफ़ किया है और उसको बताया है कि एमएसएमई के अंदर हमने इतना बेनिफिट देश भर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दिया है। हमारे नौजवान साथी गुड्डू शेख ने सवाल पूछा है कि महाविकास आघाड़ी रोजगार के लिए कौन से कदम उठा रही है, और क्या सच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट औरंगाबाद का नाम चेंज करने वाली है। तो गुड्डू भाई, आपके जो पहला सवाल है, महाविकास आघाड़ी रोजगार के लिए क्या कदम उठा रही है। देखिए, कोई भी रोजगार के लिए और स्थिर राज्य के लिए एक स्थिर सरकार का होना जरूरी होता है। आप एक सेकंड के लिए ये सोचिए कि अगर महाविकास आघाड़ी नहीं होती और बीजेपी की सरकार होती, तो आज जो दिल्ली में किसान रास्ते पर बैठे हैं, वो महाराष्ट्र में भी लोग उसी तरह से रास्ते पे बैठे रहते हैं। मतलब अनसर्टेनिटी, अनस्टेबल गवर्नमेंट महाराष्ट्र में भी आपको नजर आती। जो कायदे यूपी की सरकार पारित कर रही है, लव जिहाद और तमाम ऐसी चीजें जो इमटीरियल है, आज की दुनिया की रफ्तार को देखते हुए जो इमटीरियल है, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट देना ये सब में बड़ी प्रायोरिटी होती है जो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी दे रही है। और रोजगार के लिए तो आप जानते हैं कि पिछले साल भर से, मार्च महीने से जो है कोविड की परेशानी पूरी दुनिया में है, पूरे हिंदुस्तान में है। एक बार ये वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ज़िंदगी फिर से अपने रेगुलर रूटीन में आ जाएगी, तब जाकर के सही पता लगेगा कि नए रोज़गार कितने और राज्य की सरकार ने खड़े किए हैं और लोगों को रोज़गार मिला है। औरंगाबाद के नाम के सिलसिले में कांग्रेस की ये भूमिका है कि कोई भी नामकरण करने से उस शहर का, उस राज्य का कोई मसले हल नहीं होते। मसले अगर हल करना है तो ये नामकरण की राजनीति से हट करके उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम करना चाहिए। साबिर शबी ने भी हमारे, उन्होंने एक सवाल पूछा है, कैन यू शेयर सम ऑफ द लर्निंग्स रिगार्डिंग हाउ कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर्म्ड एंड सस्टेनिंग सो फार स्मूथली। Also, please suggest some ways to replicate the same in other states. तो साबिर भाई, आपका जो पहला सवाल है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, वो अच्छा काम कर ही रही है, वो आपको हमारे को सामने नज़र आ ही रहा है कि तीनों सरकारें ने, पार्टीज ने मिलकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है सरकार एस्टेब्लिश करने से पहले, जिसके लिए सोनिया गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, जिसके तहत तीनों पार्टियां जो हैं सरकार चलाएगी। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही बहुत सारा सा जो काम है वो चल रहा है। हाउ डू यू सी द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस लीडरशिप इन आवर कंट्री एज अ होल इन टर्म्स ऑफ इट्स एबिलिटी टू रीच इन पावर इन नेक्स्ट पार्लियामेंट। कांग्रेस की लीडरशिप में कोई दिक्कत नहीं है,
लोग बहकावे में आ गए हैं, पोलराइजेशन और जात पात धर्म भाषा इसमें जो है बीजेपी ने आरएसएस ने पूरे देश को गुमराह करके रखा हुआ है। जब लोग इसमें से बाहर निकलेंगे और उनको जब समझ आएगा कि कांग्रेस ने सर्वधर्म समभाव कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जो इस देश का मजहब माना जा सकता है, धार्मिक किताब मानी जा सकती है, और देश को अगर चलना है, तरक्की करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होगा। जब तक ये बात लोगों को समझ पूरी तरह से नहीं आती, और एक कहावत भी है कि जब तक आदमी का हाथ नहीं जलता तब तक कि उसे चटके नहीं लगते, तब तक उसे समझ नहीं आती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आहिस्ते आहिस्ते लोगों के समझ में आ रहा है कि वो मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे जो बीजेपी को उन्होंने सत्ता में लाया है, वो इस देश को संगठित रख के काम करने में असफल है। पालघर से किसी ने सवाल पूछा है, पालघर में हमारा एमएलए जीत कर कब आएगा, तो जिस भाई ने भी ये सवाल पूछा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, और कांग्रेस पार्टी का आमदार कब चुन के आ गई कांग्रेस के वर्कर के हाथ में निर्भर करता है। जब तक कि आप गांव-गांव जा कर के जिला परिषद ग्राम पंचायत सर्कल में जा कर के आप जब तक कि संगठना नहीं खड़ी करोगे तब तक आपका एमएलए कहां से चुन के आएगा। तो उसके लिए वो जवाब, आपका जो सवाल है उसका जवाब भी आप ही के सवाल में छुपा हुआ है। राजन संपत भाई ने पूछा है कि मीरा रोड की कंडीशन कब सुधरेगी, सिचुएशन इज़ वेरी बैड। तो आप राजन भाई जो कह रहे हैं वो मीरा भाईंदर की तमाम रोड्स की हालतें ख़राब हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ। और हम कांग्रेस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और कॉरपोरेटर्स जो कांग्रेस के हैं इस सवाल को लगातार महानगर पालिका में उठाते हैं, मगर अभी आप जानते हैं क्योंकि कोविड है और कोई महानगर पालिका की जनरल बॉडी मीटिंग होती नहीं है, वर्चुअल मीटिंग होती है, और उसमें जब कॉरपोरेटर्स बात करते हैं तो बीजेपी के मेयर और बीजेपी की सत्ताधारी लोग जो हैं उसको म्यूट कर देते हैं, और आवाज़ जिसे कहा जाती है कि आवाज़ दबा दी जाती है, तो वो इस कोविड का फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं और मन मर्जी कारोबार वो चला रहे हैं। आमिर भाई ने पूछा है कि मैं अपने आप को फिट कैसे रखता हूँ इस बिजी शेड्यूल में। तो आमिर भाई, अपने आप को फिट रखने के लिए लोगों के साथ और लोगों का ध्यान अगर आप रखें तो आदमी खुद का ध्यान अच्छे से रख सकता है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो मॉर्निंग कुछ मेडिटेशन, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ वॉकिंग, यही सब करके मैं अपने आप को फिट रखता हूँ, ताकि मैं फिट रहूँगा तो मेरा शहर फिट रहेगा, मेरा शहर फिट रहेगा तो वहाँ पे बसे हुए लोग फिट रहेंगे। रिजवान शाह ने पूछा है हाउ आई एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स। मैं पॉलिटिक्स में उम्र के 17-18 साल से उम्र की मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, और इसी मीरा रोड में जब सिर्फ 11,000 की आबादी थी, आज मीरा भाईंदर में 15 लाख की आबादी है, और उस वक्त मीरा भाईंदर की आबादी सिर्फ 75,000 थी और मीरा रोड की आबादी सिर्फ 11,000 थी। तब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। नाउ यू कैन काउंट बैक व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इयर्स। फैज़ भाई ने पूछा है जुम्मा मुबारक। भाई आपको भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और आपने पूछा है सर कैन वी बिकम फ्रेंड्स। डेफिनेटली आप हमारे दोस्त हैं और आप हमारे साथ कभी भी मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। यू आर माई फ्रेंड। सर देश में कांग्रेस स्ट्रॉन्ग विपक्ष की तरह कब उभर कर आएगी। कांग्रेस विपक्ष की तौर पे मजबूत है, मगर जो मोदी मीडिया है, अभी आप सब लोग पूरा देश जान गया है कि मोदी मीडिया कौन है, और तमाम मीडिया जो है वो एक ही भाषा एक ही सुर आलापते हैं, और इसलिए आप देख सकते हैं कि जब भी कांग्रेस कोई आंदोलन कर रही है या विपक्ष कोई भी आंदोलन कर रहा है तो मीडिया उसे दिखाती नहीं है। तो ये मीडिया को पूरा कैप्चर करने का काम बीजेपी ने किया हुआ है, और मीडिया जो है वो कैपिटलिज्म का भी ज़माना है, और कैपिटलिज्म में ऐसी होता है जो कैपिटलिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो जो सत्ता में होते हैं वो उनकी ही सुर में सुर मिला करके काम करते हैं। क्या फ्यूचर के लिए यंगस्टर्स ने कांग्रेस की तरफ देखना मुनासिब है। बिल्कुल
आपको कांग्रेस की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव की बात करती है। उसकी प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजी जो है वो सभी को साथ लेकर के चलने की है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ओबीसी हो, पिछड़ी जाति हो, आदिवासी हो, ये तमाम लोगों को जो हम जिसे अखंड भारत कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसे इकट्ठा करने का काम, इसे आज़ादी दिलाने का काम, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम, इसे 50 सालों में 70 सालों में तरक्की पर ला करके खड़ा कर देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। और इसीलिए जो इस विचारधारणा में विश्वास रखते हैं सर्वधर्म समभाव की, इस देश को अखंडता की, रिपब्लिक ऑफ इंडिया को मजबूत बना करके रखने की, उसने ज़रूर कांग्रेस का दामन थामना चाहिए और कांग्रेस के साथ चलना चाहिए। शैलेश राव राणे ने यहाँ सवाल पूछा है कि आंगनवाड़ी मीरा भाईंदर में नहीं है। मैं उनसे बताना चाहता हूँ शैलेश भाई, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से आंगनवाड़ियाँ काफ़ी हैं, आप उसके बारे में महानगर पालिका से भी पूछ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से पूछ सकते हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछ सकते हैं और कॉर्पोरेटर्स लोग से पूछ सकते हैं, उसकी मालूमात आपको उनसे पूरी तरह मिलेगी। इफ्तिकार अहमद भाई ने कहा है कि वो अस्मिता कॉलेज के पास रहते हैं और वहाँ पे गार्डन नहीं है। मैं इफ्तिकार भाई आपको बताना चाहता हूँ, उसके साथ में शमुना अहमद, उन्होंने भी, इफ्तिकार अहमद और शमुना अहमद शायद आप पड़ोसी हैं या एक ही घर के लोग हैं, क्योंकि दोनों का सवाल एक ही जैसा है। और आप लोगों को ये बताना मैं चाहता हूँ कि इस शहर का डेवलपमेंट प्लान 97 में तैयार हुआ और उसके बाद 2002 में जाकर के मीरा भाईंदर डेवलपमेंट प्लान मुकम्मल हुआ। 2002 में महानगर पालिका बनी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी, और जिस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी उस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास गार्डन, प्लेग्राउंड, शमशान, कब्रस्तान, बरेल ग्राउंड बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अगर आप कभी इत्तेफाक से जॉगर्स पार्क की तरफ जाने का आपको मौका अगर मिलता हो, कब्रस्तान कभी आप गए होंगे उस तरफ में, तो आप देखेंगे कि वो जो कुछ भी 20-25 एकड़ में बना है वो मैं करके दिया और ये बीजेपी की सरकार आने तक उसको पूरा मेंटेन भी हमने किया। और आज भी कब्रस्तान की देखरेखान जो है वो हमारे तरफ है, जामा मस्जिद अल शम्स ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है। अस्मिता ऑर्चिड के अंदर जो वाटर टैंक आप देख रहे हैं वो हमारी अपनी ज़मीन हमने कॉरपोरेशन को दी, तब जाके पानी की टाँकी वहाँ पर बनी। आप आला हज़रत प्लेग्राउंड की तरफ आप शायद कभी गए नहीं हैं, जो रास्ता इस तरफ जाता है आपके कानूंगों की तरफ, आप जा कर के देखेंगे तो वहाँ पे जो प्लेग्राउंड बना है जिसे का नाम आला हज़रत मैदान दिया गया है, वहाँ पे बड़ा प्लेग्राउंड बनाया गया है सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, उसमें से ही जगह काट करके दी गई है। और उसी तरह कानूंगो के अंदर आप चले जाएंगे तो ख्वाजा गरीब नवाज KGN के नाम से वहाँ पे गार्डन बना हुआ है, वहाँ लोग मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं। अस्मिता कॉलेज के पीछे का APJ कलाम के नाम से उस ग्राउंड को मुकम्मल किया गया, मगर BJP ने बदमाशी करी और उसमें से एक अच्छा खासा बड़ा प्लेग्राउंड हमने रखा था, दो तकरीबन 3-3.5 एकड़ का, उसमें से उन्होंने एक हॉल बना दिया, मल्टीपर्पज़ हॉल बना दिया और ग्राउंड का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, उसमें पानी की टाँकी बना दी, बीच में ही पानी की टाँकी बन गई, तो ग्राउंड का पूरा बेड़ा गर्क उन्होंने कर दिया है। अब उस ग्राउंड के सिलसिले से मैं म्यूनसिपल कमिश्नर से बातचीत में हूँ और उस पर कुछ एक बेहतरीन प्लेग्राउंड बनाने की योजना मेरी है। उमर मोमिन भिवंडी से लिखते हैं कि सर भिवंडी से आपको MLA बनना चाहिए, भिवंडी को आपकी ज़रूरत है। यकीनन मैं भी कई बार वहाँ पर आया हूँ, 2010 का चुनाव लड़ा हूँ, लोगों को उस वक्त जो है समझ आया नहीं, लोगों ने गलत फैसला किया, मगर उसके बावजूद भी भिवंडी के साथ मेरा रابطہ कायम है। भिवंडी के जो भी पार्टी के वर्कर्स हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उनको मैं हमेशा गाइडेंस देते रहता हूँ, मार्गदर्शन करते रहता हूँ और ये हमेशा के लिए चालू रहेगा। सीखने के लिए और बताने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए और सिखाने के लिए मेरे पास मुकम्मल वक्त है और भिवंडी मेरे बहुत ही अपने दिल के नज़दीक मैं उसे मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भिवंडी के हालात सुधरे। भिवंडी की हालत यकीनन तौर पे जो है बहुत ही बुरी है और उसे सुधारने की बहुत ज़रूरत है।
अब्दुल वाहिद दलखानिया भाई ने लिखा है, मीरा रोड स्ट्रीट लाइट LED लगाओ। ठीक है, आपका सुझाव अच्छा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ये सुझाव को जो है कॉरपोरेशन के माध्यम से बताया जाएगा और जहाँ भी पॉसिबल होगा इसे लगाने का प्रयास किया जाएगा। LED लाइट्स कई जगहों पे लगी भी है, और अगर आप मुझे और बता दें कि एग्जैक्टली आप कौन से रास्तों की या इलाके की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओमकार विनायक कवाड़े ने लिखा है, मीरा बंदर कांग्रेस 1-2 साल से थप पड़ी है, इसे वापस पुनः एकदा नवीन चमक द्यायची गरज आहे। ओमकार भाऊ, आपण त्याच्यासाठी प्रयत्नशील आहोत आणि म्हणूनच आपण नवीन जिल्हा अध्यक्ष त्या ठिकाणी नेमलेले आहोत, प्रमोद सावंत, युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष दीप काकडे आणि अन्य। आता मागच्या सोमवारी आपला काँग्रेसची मोठी सभा झाली, ज्याच्यामध्ये काँग्रेसमधनं गेलेले सेना, राष्ट्रवादी आणि BJP गेलेले लोकांना आपण परत घेतलं आहे। सर्व नवीन समिती, सेल्स, फ्रंटल्स आपण त्या ठिकाणी तयार केलेले आहोत, निश्चितप्रमाणे आपण ग्रॅज्युअली आपण त्याच्यावरती काम करत आहोत। आफताब करीम इन्होंने लिखा है कि नया नगर के बच्चों को खेलने की जगह नहीं। तो भाई साहब करीम भाई, आपको जैसे अभी मैंने किसी और को भी जवाब देते हुए कहा है कि आला हजरत मैदान जो है वो बच्चों को खेलने के लिए सब में बड़ा मैदान वहाँ पर अवेलेबल है, उसके लिए आपने जा कर के उसे देखना चाहिए। सरकारी अस्पताल की बात आपने उठाई, मगर शायद आपको मीरा रोड के बारे में पता नहीं है कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, राजीव गांधी ब्लड बैंक, महात्मा गांधी लाइब्रेरी, उसी में एक मॉर्ग रूम, ये मैं जब MLC 2004 से 2010 तक था उस वक्त हमने एक अस्पताल म्यूनसिपैलिटी का वहाँ पर बनाया है, जिसके ज़रिए और 7 डायलिसिस की मशीन 2004 से 2010 और 2013 से 2016 दो टर्म जब मैं MLC था तो 7 डायलिसिस की मशीन वहाँ दी गई है, जिसके ज़रिए तकरीबन 3,500-4,000 लोगों की डायलिसिस एनुअली वहाँ पर होती है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से तकरीबन 40,000 लोगों को OPD की दवाइयाँ दी जाती है। जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है जिसमें नर्सिंग मैटरनिटी होम है, उसमें तकरीबन 2,000 डिलीवरीज गरीबों की वहाँ पर होती है। महात्मा गांधी की लाइब्रेरी 20,000 square feet की मैंने बनाई थी। अनफॉर्चुनेट है कि BJP वालों ने उसको बंद करके वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का वार्ड ऑफिस चालू कर दिया और लाइब्रेरी के हिस्से को बहुत ही छोटा बना दिया है। उसके साथ में लेकिन नया नगर की तरफ भी आला हजरत प्ले ग्राउंड है, ख्वाजा गरीब नवाज प्ले ग्राउंड है, यहाँ APJ आला डॉक्टर APJ कलाम प्ले ग्राउंड है अस्मिता कॉलेज के बाजू में। तो ऐसा नहीं है कि नया नगर के साइड में प्ले ग्राउंड नहीं है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है तो ये तो सिविक सेंस की बात है। आप और हम देखते हैं जहाँ दुकानें हैं वहाँ पर लोग अपनी बाइक आधे रास्ते में खड़ा कर देते हैं, गाड़ी आधे रास्ते में खड़ी कर देते हैं, तो पुलिस महकमे से लगातार संबंध और संपर्क बनाया रहता है। आपको पता नहीं होगा कि 2005 तक के मीरा महेंद्र में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ही नहीं था, और जब मैं विधान परिषद में था तब हमने यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट स्टार्ट करवाया, 100 से ज़्यादा पुलिस ट्रैफिक के उसमें हमने रखवाए, तब जाकर के ये काम चल रहा है। हफ्ता वसूली, अगर आपको ये कहीं पे आपने कहा है कि नेताओं के नाम पर हफ्ता वसूली अपने चरम पर है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बिल्कुल इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें। आपको जब भी ये जहाँ भी दिखता है आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें और मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर साहब को भिजवाइए, उसकी कॉपी मुझे भी भिजवाइए, हम बिल्कुल उस पर एक्शन करेंगे। ऐसे भ्रष्टाचारियों को और हफ्ताखोरियों को हमको पकड़ना है और आप जैसे नागरिकों की इसमें मदद की आवश्यकता है। अस्पताल, जो बड़े अस्पताल बने हुए हैं पूरे शहर के अंदर, छोटे से लेके बड़े अस्पताल बने हुए हैं, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो मीरा रोड में एक बना हुआ है और एक टिम्बा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भाईंदर वेस्ट में बना हुआ है, और इन दोनों अस्पतालों में जो है ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दी जाती है। बाकी आप जानते हैं कि पूरे देश भर में मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अपने तौर तरीके होते हैं काम करने के, और चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं और उस तहत में जो काम करते हैं, उस क्राइटेरिया में जो काम करते हैं, उसमें अगर आपको कोई मुश्किल और परेशानी आती है तो आप ज़रूर हमको संपर्क कर सकते हैं। मीरा रोड से लोकल नहीं है, मीरा रोड के ताल्लुक से अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मीरा रोड में पहले
9 डब्बे की ट्रेन चला करती थी। अब मैं कह रहा हूं तो आपको लगेगा कि इतिहास बता रहे हैं, लेकिन इतिहास जब तक अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको असलियत नहीं पता लगेगी। मेरे फादर तो 1960 में यहाँ ट्रेन रुकती भी नहीं थी, तो रेलवे के पासस 100 पासस एक साल तक खरीदते थे और तब जाकर के रेलवे को लगा यहाँ से रेवेन्यू मिलता है, तो ट्रेन रुकना शुरू हुई मीरा रोड में। ये 60s की बात मैं बता रहा हूँ। 89 में 9 डब्बे की ट्रेन थी, जाफर शरीफ साहब रेलवे मंत्री थे, उनके पीछे पड़ करके हमने यहाँ पर 12 डब्बे की ट्रेन कराई, प्लेटफॉर्म बड़ा बनाया मीरा रोड के साउथ साइड में और नॉर्थ साइड में। टिकट विंडो के लिए रेलवे के पास फंड्स नहीं थे। आप नए आए हैं शायद शहर में इसलिए आपको पता नहीं, मगर मैंने अपने जाती पैसे खर्च करके 1990 में दोनों जगह टिकट विंडोज बनाई थी। पर आज आप देख रहे हैं कि कितनी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, तो ये बगैर फॉलोअप के होता नहीं है। आज एस्केलेटर्स मीरा रोड पे लगे हैं, जो 2015 में हमने भाईंदर और मीरा रोड के लिए एस्केलेटर्स की डिमांड करी थी, आज मीरा रोड पे एस्केलेटर्स लगे। यकीनन मीरा रोड से लोकल शुरू होना चाहिए, ये मेरी मांग पिछले 25 सालों से है और हमें उम्मीद है कि हम इस मांग को लेकर के अपनी लड़ाई केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय से जारी रखेंगे। अनवर भाई ने लिखा है, अनवर खान ने, कि आपने एक गांव को शहर बना दिया है, बेस्ट सिटी बनाई है मीरा भाईंदर के लिए, यूथ के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? तो अनवर भाई, छोटा गांव शहर बन जाता है, मगर शहर को शहर का रूप देना और शहर का नाम को अच्छा रखना, ये अच्छी इमारतों से नहीं होता है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता है, ये अच्छे लोगों से होता है। और अच्छे लोग आपके शहर में तब रहते हैं जब वहाँ पे एक अच्छा माहौल रहता है, और अच्छा माहौल रखना नौजवानों के हाथ में होता है। आज हम देखते हैं पूरे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, आपको मीरा भाईंदर अकेला बोल करके नहीं चलेगा, लेकिन पूरे मेट्रोपॉलिटन शहरों के अंदर आज नुक्कड़ों पे, फूड कॉर्नर्स पे, एक तो ये चाय पीने का मसला एक अलग चल पड़ा है, जिसकी वजह से नौजवान हर नुक्कड़ के ऊपर वो चाय वाला बन गया है कि दुकान शुरू हो गई है, बन पाव मस्के की दुकान शुरू हो गई है, और ये इस तरह का माहौल पूरे मुंबई ठाणा हर जगह आपको नज़र आता है। और उस वजह से वो जो नुक्कड़ मोहल्ले जो होते हैं वो पूरे नौजवान बच्चे और बच्चियों से भरे हुए रखते हैं, मोटरसाइकिल रास्तों पे खड़ी भी नज़र आती है, एक बड़ा ही अजब और गलत माहौल वो नज़र आता है। इस माहौल को सुधारना है। मैं नौजवानों से यही कहना चाहूँगा कि चाय आपके घर में भी मिलती है, अपने दोस्त को घर में बुला के चाय बैठ करके पीजिए, या टेरेस पे जा करके बैठ के चाय पीजिए, या किसी के उसके घर जा करके चाय पीजिए। आपको अगर चाय पीना भी है तो रेस्टोरेंट में जा करके बैठ करके पीजिए। आपको अगर चाय और रेस्टोरेंट पीने के लिए बाइक पे जाना है, गाड़ी ले जाना है, तो जो रास्ते का यातायात है, ट्रैफिक है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी सहूलियत देखना ये आपका पहला फर्ज बनता है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप शहर के साथ न्याय नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हो, आप इस शहर में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। जस्ट इमेजिन कि अगर किसी की कोई इमरजेंसी है, एम्बुलेंस में जाना है, एम्बुलेंस को लाना है, फायर ब्रिगेड को पहुंचना है, पुलिस को पहुंचना है, और उस समय जब ये चौराहों पर बाइक्स लगा करके जिस तरह से नौजवान खड़े रहते हैं और गाड़ी चलने की जगह नहीं होती, बस चलने की जगह नहीं होती है, तो मैं आपके ज़रिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं हाथ जोड़ करके नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि इस शहर के वातावरण को अच्छा रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आजमी, सो माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज दैट वी कैन डू टू मीट द डिमांड ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बसेस, मोर ट्रेन्स फॉर मीरा भाईंदर, बेटर रोड कनेक्टिविटी एक्सेट्रा। नवीन, हैज आई टोल्ड यू दैट इन द ईयर 1980 to 90, द पॉपुलेशन ऑफ मीरा भाईंदर वॉज जस्ट फ्रॉम 75,000 टू 1,75,000 इन 1990. And from 1990 to 2020, it is 15 lakhs. Meera Bhaindar has been and is being the highest migrating floating population percentage in the country. This is as per the census report of India. So you can see, even though
with the highest migration population, fastest growing city, all infrastructure needs have been met. There is proper roads, bus services, train services. Definitely entire Mumbai is facing, Thane, Mumbai, all MMRDA region is facing commuting problem, because Mumbai's lifeline is railway. Mumbai is north and south. We are in extended suburbs of Mumbai. So right up to from Bhandara, Vasai Creek to South Bombay, Nariman Point. There is only one national highway which has become a city road now. It is now not being left as a highway. It's a city road now. And there is only one lifeline, which is this railway. Now with upcoming of these metros, which actually started when Prime Minister Manmohan Singh Ji, Dr. Manmohan Singh Ji was there. He started with Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission Plan for 65 cities in the countries. So Mumbai and Thane was incorporated into that. Meera Bhandara was incorporated into that. Ghulam Nabi Azad was the Urban Development Minister at that given time. So I bought in about 1000 crores of rupees for underground drainage system. The bus service, what you see in Meera Bhandara today, is because of that. The water system supply, which MMRDA and today's people in governance at the corporation are claiming that it is because of them. It's not the fact. The scheme started much before that, in 2006 and 2007, and it gradually got implemented. Now we are seeing that even metros is getting implemented. The entire MMRDA plan of transportation of six-way railway, metros and all other transportation system, about 1,50,000 crore rupees of master plan was made when Vilasrao Deshmukh was the chief minister. And those plans are in execution as of today. So water supply and commutation are definitely a major issue, but it is getting resolved. But it is getting resolved in a slower space, which the speed has to increase. And road connectivity, especially for Meera Bhandara, you can see that in 2010, when Prithviraj Chauhan became the chief minister, we had given him a proposal to connect Dahisar to Meera Road to Virar. The MMRDA has taken up that project, and it is under the clearance of various government clearance for mangroves and environment, CRZ and stuff like that. But it is under in pipeline, you can see that. Over a period of time, the connectivity for Meera Road, Bhandara, Vasai, Virar will be there, right from the west side, connecting Mumbai in a very soon, you can see that. Mr. Khan Faisal sahab ne kaha hai ki sahab aap 30 saal se Naya Nagar mein jeet rahe hain, Naya Nagar mein koi bachchon ke khelne ka park nahi hai. Maine Faisal bhai abhi upar jawab diya hai ki Naya Nagar mein already 2-3 bade maidan khelne ke hain, और ज़रूर आप उसको जाके देखिए, और उसमें अगर कोई कमियां हैं और कोई चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं. पैट्रिक एल्वेरिस ने कहा है, रवि ग्रुप हमारी सोसाइटी का कन्वेंस नहीं कर रहा है. तो पैट्रिक, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ पास्ड एन ऑर्डर ऑफ डीम्ड कन्वेंस. इफ़ द बिल्डर इज़ नॉट गिविंग यू कन्वेंस, यू कैन गो एंड हैव अ डीम्ड कन्वेंस, आप कर सकते हैं. सो प्लीज़ गो अहेड एंड गेट द डीम्ड कन्वेंस डन. Khalid Bhaskar has asked, Sirji, my question is about BJP government policy. Why Congress Party High Command not stand with Muslims? Khalid bhai, Congress ka kaam kisi ek particular community ke saath khade rehne ka nahi hai. Congress sarva dharma samabhav mein vishwas rakhti hai, aur wo sabhi samaj, sabhi dharma, sabhi bhasha, prant ke logo ko ek saath lekar ke chalne ka kaam karti hai. Aur sirf BJP jo hai वो हिंदुत्व की बात करती है. उनकी पॉलिटिक्स बहुत सिंपल है. वो चाहती है कि सारे हिंदू एक तरफ हो जाए और मुस्लिम 15% एक तरफ हो जाए, तो हमेशा बीजेपी जीतते रहेगी. इसलिए वो जितना मुसलमानों के खिलाफ में बात कर सकती है, वो करने का उसका प्रयास रहता है. मगर हिंदुस्तान में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी जो है वो सेक्युलर है. अगर मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी सेक्युलर नहीं होती तो
मुसलमानों की, आपकी, हमारी ना उर्दू स्कूलें होती, ना मदरसे होते, ना मस्जिदें होती, ना आपके हमारे बच्चे जो है अच्छी तालीम हासिल करते, ना वो इंजीनियर बनते, ना डॉक्टर बनते, ना उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला होता, ना वो टीचर्स बनते, ना वो गवर्नमेंट की जॉब में भले ही कम परसेंटेज में लेकिन है, ना वो क्रिकेट में खेलते हुए नज़र आते, ना फुटबॉल में खेलते हुए नज़र आते, ना आपको टेनिस में खेलते हुए नज़र आते, ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपको नज़र आते। तो कहीं खामियां हैं, मगर ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत है। बीजेपी का तो एक एजेंडा ही है कि एंटी मुस्लिम काम करना है और हिंदू वोट्स को एक तरफ करके कंसोलिडेट करके मुसलमानों को बैड लाइट में दिखाना है और हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना है। तो कांग्रेस इज राइट देयर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स अगेंस्ट बीजेपी एजेंडा। आप सब लोगों से बात करके बहुत मुझे आनंद हुआ। आप सब लोग मुझे लिख सकते हैं, कमेंट्स भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हो, मेरे दफ्तर में आकर के मुझसे मुलाकात कर सकते हो, और जो भी शहर के ताल्लुक से परेशानी हो उससे आप बात कर सकते हो। आपसे बात करके बहुत ही आनंद आया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।